मैं आपको छोटे बच्चे के डायबिटीज़ के बारे में कुछ प्राथमिक माहिती देना चाहता हूँ और जो एकदम अगत्य की है। तो हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक है बालक और एक है पालक। जानकर खुशी होगी कि आप अपने बच्चों के डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है या आप कुछ कर नहीं सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके बच्चे को डायबिटीज़ हो सके। दूसरा, आपने ऐसा कुछ भी खिलाया नहीं है या कुछ भी अवगणना नहीं की है जिसकी वजह से बच्चे को डायबिटीज़ हो। तीसरी बात आती है कि ये बीमारी अनुवंशिकता नहीं होती है। अगर पिता को डायबिटीज़ है टाइप 1 तो बच्चे को होने के चांसेस 9% होते हैं। अगर माता को है तो 3% हैं। दोनों का है तो 30% है। और माता और पिता दोनों को डायबिटीज होते हुए भी, यानी टाइप 1 डायबिटीज होते हुए भी, बच्चों में डायबिटीज होने का चांसेस ओनली 30% है, यानी 70% नहीं है। मतलब आप अपने बच्चों को डायबिटीज नहीं दे सकते हैं और उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अब आगे की बात आती है कि आज जो वैज्ञानिक माहिती है उसके अनुसार बच्चे में 3 प्रकार की तकलीफ है। एक, वह अपना शुगर जांच नहीं सकता है। दूसरा, वह जितना चाहिए उतना इंसुलिन बना नहीं सकता है। और तीसरा, शुगर के हिसाब से वह अपना इंसुलिन डोज एडजस्ट नहीं कर सकता है। और यह काम बच्चे और माँ बाप को, बालक और पालक को साथ में मिलकर पूरी जिंदगी करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शुगर अप डाउन होते हैं और जो अप डाउन होते हैं उसकी वजह से बालक को ही तकलीफ होती है, पालक को कुछ भी नहीं होता है। अतः पंखी के 2 पंख होते हैं, एक है जांचना, दूसरा है इंसुलिन देना, और दोनों काम एक साथ में होने जरूरी है और वो जीवन भर के लिए। और यही समस्या है कि हमेशा के लिए ये चाहिए। जब कोई चीज़ हमेशा करनी है तो उसे अपनाना पड़ता है। जैसे मैं मेरा ब्रश करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं कपड़े डालता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये काम मेरी दिनचर्या नित्य नियमित निरंतर रहती है। मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि जिंदगी भर ब्रश करना है, जिंदगी भर स्नान करना है। नहीं, वो हमें अपना जीवन का एक अंग बनाना है, हिस्सा बनाना है, तो यह आसान से हो सकता है। यह माहिती डॉक्टर के पास होनी चाहिए, पालक के पास होनी चाहिए और बालक के पास होनी चाहिए। और ये काम मरमर के नहीं, प्रेम से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये समस्या बहुत आसान हो जाती है। नमस्कार।